दर्शन भी हो रहे महाराज जी। शूल मोह निवृत्ति का मुख्य साधन सांख्य है, आत्मज्ञान रूप सांख्य का साधन कर्म योग है। गीता में सांख्य निष्ठा के समझना, यहाँ ज्ञान योग जी, गीता में सांख्य निष्ठा के साधक रूप से कर्म निष्ठा का वर्णन है। साथ ही ज्ञानी के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म की कर्तव्यता बतलाई गई है, न कि कृतार्थता संपादन के लिए कर्म की कर्तव्यता नहीं है, यानी के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म की कर्तव्यता बतलाई गई। हाँ, मतलब लोक संग्रह के लिए है, सत्ता उसको कोई कर्तव्य प्राप्त नहीं है, अनुग्रह पूर्वक लोक संग्रह के लिए कार्य है। कृतार्थता संपादन के लिए उपयोग विनियोग नहीं है, क्योंकि उसको तो ज्ञान से ही कृतार्थ चाहता है। एक पंक्ति और है, अंत में अनन्य लोकाराधक लोक भक्त भी स्वेच्छा से नहीं तो अनिच्छा से ही सही लोक व्यवहार से उपरत होते ही है। तो अंत में अनन्य लोकाराधक लोक भक्त भी स्वेच्छा से नहीं तो अनिच्छा से ही सही, मतलब शरीर में कोई बीमारी आदि आ गए, अवस्था है जी, वाणी में बोलने क्षमता ही नहीं रह गई, स्वेच्छा से तो नहीं पर अनिच्छा से। हाँ, तो मैंने अकर्म को प्राप्त स्वभाव से जाने हो तो क्या जी, इसीलिए कहा महाराज जी, अंत में अनन्य लोकाराधक लोक भक्त भी स्वेच्छा से नहीं तो अनिच्छा से ही सही। आपको वो पंक्ति अब स्पष्ट हो गई कि व्यवस्था है, मतलब अने वो कितना भी लोकाराधक मन तत्व भी नहीं है। हाँ, जब वो भी शक्ति लगे रहते हैं वाले से जो भी हो जी, जी। लेकिन अंत में जब महाशय जी को देखे रहे जी, तो प्रमुदित हो रहे थे, कल वो कर देंगे। अब क्या है कि अब वो लोकाराधक भी रही हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो क्या है, शरीर की लाचारी या तो प्राण होने का, इसका मतलब है कि बुद्धिपूर्वक न सही, भावना पूर्वक नहीं सही, शरीर की लाचारी को देखकर इच्छा से नहीं, अनिच्छा से, अनिच्छा से मतलब शरणागति तो वही होगी, कर्म में जाके पर्यवसान होगा।